खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मोदी बोले, पूर्वोत्तर में कांग्रेस हालात बिगाड़ना चाहती है। मेरा भरोसा है, असम के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। नागरिकता बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर में प्रदर्शन को लेकर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस बोली, पूर्वोत्तर में अब कश्मीर जैसे हालात। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने फौरन रोक की मांग की। नागरिकता बिल विवाद के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा, हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का दौरा भी रद्द हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर अल्पसंख्यकों को परेशान करने का आरोप नहीं लगाया है। झारखंड के धनबाद की रैली में मोदी ने मंदिर मुद्दे को भुनाया। बोले, कांग्रेस रास्ते रोक रही थी, लेकिन हमने शांति से मुद्दा कोर्ट में सुलझाया। अब बनेगा भव्य मंदिर। झारखंड में तीसरे दौर के मतदान में वोटरों में उत्साह दिखा। बोकारो, हजारीबाग और रांची के साथ 17 जिलों में वोटिंग। रांची में हेमंत सोरेन ने वोटिंग की। हजारीबाग में लाइन में लगकर जयंत सिन्हा ने वोट डाला। बाबूलाल मरांडी ने भी किया मतदान। रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने परिवार के साथ आज वोट डाला। झारखंड के राजमहल में राहुल गांधी की रैली। बोले, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरा नाम मोदी नहीं है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कल प्रियंका गांधी का दिल्ली में कैंडल मार्च। शाम को मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकलेगा। उद्धव सरकार में मंत्रालय बटे। शिवसेना को गृह, कांग्रेस को राजस्व और एनसीपी के हिस्से वित्त मंत्रालय। सीएम उद्धव ने कोई मंत्रालय नहीं लिया। एकनाथ शिंदे के पास गृह मंत्रालय के साथ कई विभाग। शपथ के बाद 15 दिन लगे मंत्रालय बंटने में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर दर्शन किए। महाराजा छत्रपति शिवाजी की जन्मस्थली पर भी पहुंचे। 79 साल के हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। मुंबई में कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजी के साथ मनाया जश्न। महाराष्ट्र के परली में रैली कर पंकजा मुंडे ने बीजेपी की कोर कमेटी से इस्तीफा देने का ऐलान किया, लेकिन बोली, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी, पार्टी को जो फैसला लेना है करें। नागरिकता बिल पर प्रशांत किशोर की बयानबाजी से नीतीश कुमार नाराज। प्रशांत किशोर पर हो सकती है कार्रवाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बोले, जीडीपी घटने से चिंता की जरूरत नहीं, अच्छे नतीजे बाद में दिखेंगे। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन की सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए दिशा एक्ट कानून बनाया। महिलाओं ने सीएम को बांधी राखी। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत 70 साल के हुए। मुंबई में मुरुगन मंदिर में फैंस ने मनाया जश्न।